हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज ये वीडियो शूट करके मैं एक शॉपिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग मैंने की थी और उसमें कुछ थोड़ा सा मेरा पेड एक्सपीरियंस था। वो सारी चीजें मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप भी इन सारी चीजों से बच पाए। तो हुआ क्या कि एक्चुअली आपको मैंने जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स देखे हो तो हमारा नया घर जो है वो अभी बन रहा है, तो हम उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज कर रहे थे। तो हमने कुछ वहां के लिए मैंने वॉल शेल्फ वगैरह ऑर्डर की थी। तो वो वॉल शेल्फ आपने देखा होगा आजकल काफी अट्रैक्टिव शेल्फ के अंदर वॉल शेल्फ आती है, एमडीएफ के अंदर बनी हुई, तो वही मैंने ऑर्डर की थी। तो उसमें मेरे को कुछ गलत प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हुआ है। अब यहाँ पे मैं सारी चीजों की बात करूंगा, कंपेरेटिवली आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट मैंने कहाँ से ऑर्डर किया, ठीक है। आपने काफी सारी वेबसाइट जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज वगैरह, काफी सारी शॉपिंग वेबसाइट जो है वो उनके बारे में आपने सुना होगा। तो मैंने जो ये प्रोडक्ट कहाँ से परचेज किया वो सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, क्या चीज प्रोडक्ट के साथ क्या गलत है वो सारी चीजें मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। तो जो ये जो बॉक्स आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये इसमें वो वॉल शेल्फ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये जो प्रोडक्ट है वो मैंने ऑर्डर किया था ग्लो रोड से। अब आपने मैं भी काफी लोगों ने ये नाम पहली बार सुना हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह, तो आपने ये नेम तो सुने होंगे मोस्ट ऑफ द। पर ये जो कंपनी है ग्लो रोड जो है वो उसकी पेरेंटल कंपनी अमेजोन ही है, अमेजोन की ही एक तरीके से ये सब कंपनी है ग्लो रोड। तो मैंने ग्लो रोड से ये प्रोडक्ट जो है मैंने ऑर्डर किया था, और ये वॉल शेल्फ है जो कि एमडीएफ से बनी हुई है। और इससे पहले मैंने कुछ वॉल शेल्फ मैंने मीशो से भी ऑर्डर की जो कि काफी अच्छी आई। अब ये मेरा ग्लो रोड के उससे ऑर्डर करने के पीछे रीजन क्या था, सबसे पहले तो वो जान लीजिए, मतलब कुछ हम पॉजिटिव एंड भी देख लेते हैं ग्लो रोड का, ठीक है। तो वो जो पॉजिटिव एंड है वो ये है कि ग्लो रोड पे जो आपको प्राइजेस वगैरह देखने को मिलेगी, जो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, उसके कंपेरेटिवली यहाँ पे ग्लो रोड पे प्राइजेस क्या आपको कम देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको ये डेली बेसिस पे कुछ कूपन वगैरह भी प्रोवाइड करता है जिससे कि आपको आपके ओवरऑल प्राइस के अंदर डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ग्लो रोड से जो ऑर्डर हमने किया, मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम किसी से सुना था, तो मैंने ये इंस्टॉल किया, फिर मैंने यहां से ऑर्डर किया। तो उससे पहले तो मैंने एक जो वॉल शेल्फ मंगवाई थी मीशो से मंगवाई थी, और इसके बाद मैंने ग्लो रोड की तरफ डाइवर्ट हुआ। अब ग्लो रोड से मैंने फर्स्ट दो वॉल शेल्फ मंगवाई, दोनों अच्छी आई, ठीक है। वो कलर में थोड़ा सा ऊपर नीचे था, पर वो दो भी काफी अच्छी थी। अब ये जो तीसरा प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट अच्छे आ गए, तो मेरा ट्रस्ट भी एक तरीके से ग्लो रोड के साथ बन गया कि ठीक है, दो प्रोडक्ट आ चुके हैं, अच्छी कंडीशन में आए, तो एक जो ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं बन जाता है। तो वो ही बात मेरे साथ हुई। अब मैंने उसके बाद दो ऑर्डर और डाले, ठीक है। आपको मैं स्क्रीन के यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो लगा दूंगा, आप देख सकते हो मैंने दो प्रोडक्ट की और परचेजिंग की। उसमें आप देख सकते हो फर्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इस प्रोडक्ट के का जो था वो ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं होता है। और इसमें लगभग हमारा एक हफ्ते का टाइम जो है वो लगभग चला गया, ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं होता है और ऑटोमेटिकली ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। ऑर्डर कैंसिल होने के बाद रिफंडेड मनी जो है वो बता देता है एप पर, एप पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, अभी रिफंडेड बता दिया, पर अभी तक हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। तो या तो अगर आपके दो तीन दिन अगर वेटिंग टाइम रहता है तो यू विल जो कंपनी को टिक मार्क जो है रिफंडेड पे वो उसके बाद करना चाहिए जब अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाए, पर यहाँ पे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, उससे पहले ही रिफंडेड क्लिक टिक आ गया, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम। दूसरा ऑर्डर जो था मेरा, दोनों मैंने साथ ही किए थे एक ही टाइम पे, तो जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर था वो तो कैंसिल हो गया। अब सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं जो मेरे सामने पड़ा, तो ये आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे फोटो लगा देता हूं, आप देख सकते हो किस तरीके के ये प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रखा है। ये प्रोडक्ट था और इसको मैंने ऑर्डर किया था, लगभग इसकी प्राइस जो है वो 500 प्लस है, और ये कंपेरेटिवली मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस में ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और इन सबसे कंपेरेटिवली ग्लो रोड पे कम प्राइस का मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां से, और साइज भी मेरे को बेटर साइज मिल रही थी, तो मैंने यहां से ऑर्डर कर दिया, और ट्रस्ट भी था क्योंकि पहले के दो ऑर्डर काफी अच्छे आ चुके थे।
तो अब मैं आपको इस थर्ड प्रोडक्ट मैंने बेसिकली ओपन तो कर दिया है, यहाँ से आप देख सकते हो कटा हुआ है, थोड़ी सी पैकेजिंग तो पहले से पटी हुई आई थी, पर ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे पास आ चुका था। आप देख सकते हो जो ये मैंने वॉल शेल्फ ऑर्डर की है ये रेड एंड ब्लैक कलर के अंदर है, पर जो मेरे को जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है वो आपको मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं। चलिए इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले तो। यस, ये रहा वो प्रोडक्ट। इसको मैं साइड में रख देता हूं, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये बड़ा वाला जो बॉक्स था ये आप देख सकते हो, इसके पीसेस जो है पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। ये आप देखिए पूरी तरीके से जो पीसेस हैं वो ब्रेक हुए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारा जो बड़ा वाला जो बॉक्स था। और आप दूसरा बात ये भी यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो कलर जो है वो मैंने रेड एंड ब्लैक में ऑर्डर किया था और मेरे पास आया है येल्लो एंड ब्लैक। ब्लैक वाला ओके है, बट ये जो येल्लो वाला जो पीस आया है कलर को मैं फिर भी मैनेज कर लेता कि येल्लो ब्लैक का कॉम्बिनेशन होगा तो भी चल जाएगा, पर पूरा पीस ही पूरा ब्रेकेबल आया है आप देख सकते हो। और इसके बाद तो ये पूरा पीस पूरा ब्रेकेबल, इसके बाद मैंने पूरा ओपन किया नहीं क्योंकि पूरा फर्स्ट पीस ही पूरा डैमेज था, तो मैंने ब्लैक वाले को ओपन ही नहीं किया। तो ये आप देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो कंपनी की तरफ से। फिर उसके बाद अब आगे की मैं स्टोरी बताता हूँ कि ठीक है डैमेज आ गया, डैमेज आने पर अपन आ सकता है प्रोडक्ट, उसके बाद अपन क्या करते हैं, मैंने एक रिटर्न की रिक्वेस्ट में डाल देता हूँ। उसी समय जैसे मैंने कल शाम को प्रोडक्ट देखा था, ये कल मेरे को डिलीवर हो गया था 4 तारीख को शाम को, मैं घर पे आया और उसके बाद मैंने ओपन करके देखा, मेरे को डिफेक्टिव पीस मिला था। कलर को मैं फिर भी एक बार के लिए इग्नोर कर देता, पर मेरे को डिफेक्टिव पीस मिलने की वजह से मैंने इसको रिटर्न पे डाल दिया और मैंने उसमें रीजन भी दे दिया था रिटर्न। अब और उसके साथ फोटोज भी मैंने इसकी अपलोड कर दी, ये फोटोज जो हैं और कौन सी फोटोज मैंने अपलोड की है वो भी मैं यहाँ पे साइट में आपके साथ मेंशन कर दूंगा। तो वो फोटोज मैंने अपलोड कर दी, अब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो जाती है रिटर्न की रिक्वेस्ट। आज सुबह मतलब आते हैं रिटर्न लेने के लिए प्रोडक्ट, और जो रिटर्न लेने के लिए आते हैं तो उनसे मेरी बात होती है, वो प्रोडक्ट देखते हैं ठीक है रिटर्न के लिए, वो मेरे से को कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो था वो एक्चुअली कलर के लिए रिप्लेसमेंट आपने ऑर्डर किया है, जबकि मैंने रिप्लेसमेंट मतलब रिटर्न जो था वो मैंने फाइल किया था, रिटर्न जो फाइल किया था वो डैमेज पीस डैमेज रिक्वेस्ट डाल करके मैंने रिटर्न के लिए डाला था, पर उन्होंने वो बोलते हैं कि आपका कलर के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट लिए कि कलर आपको करेक्ट डिलीवर नहीं हुआ है और आपका पीस जो है वो डैमेज है, सो दैट्स व्हाई हम प्रोडक्ट को अभी रिटर्न में नहीं ले सकते क्योंकि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कलर को लेकर के सबमिट हुई है। और वो मेरे को इसके पीछे मैंने कहा मैंने तो रिक्वेस्ट डैमेजिंग को लेकर के डाली है रिटर्न रिक्वेस्ट, तो वो कहते हैं कि आपने क्या किया है कि आपने फोटो अपलोड कर दिया, उस फोटो अपलोड आपको नहीं करना चाहिए था, फोटो अपलोड करने से ये जो कलर की रिक्वेस्ट उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और कलर के बेसिस पे हम रिटर्न कर सकते हैं, पर डैमेज है प्रोडक्ट सो हम अभी रिटर्न नहीं कर सकते, हम आप वापस से रिटर्न रिक्वेस्ट डालिएगा और उसके बाद ये सब हम रिटर्न लेने वापस से आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो कि ऐप से मैंने रिटर्न जो रिक्वेस्ट डाली थी वो डैमेज को लेकर के डाली थी, उसके बाद मैंने फोटो अपलोड किया, फोटो तो ऑब्वियसली मैं अपलोड करूंगा क्योंकि डैमेज पीस आया है तो उसका मैंने फोटो अपलोड किया, पर ये जो आप देख सकते हो कि इस डैमेज पीस होने के बावजूद तो उन्होंने रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करते, आज वो दिन में आए थे रिटर्न उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब वापस से मैं इसके रिक्वेस्ट जो है वो रिटर्न रिक्वेस्ट डालूंगा या फिर कस्टमर केयर में बात करूंगा। मेरे को उस एप पे नंबर भी ऐसा कोई कस्टमर केयर नंबर जो था वो नहीं शो हो रहा था, तो मैं सर्च करूंगा और हो सकेगा तो मैं ग्लो रोड पे ये इसकी कंप्लेंट डालने वाला। तो कहीं कहीं ये जो इस तरीके से प्रोडक्ट डिलीवरी जो होती है, हो सकता है इसमें प्रोडक्ट जो डिलीवरी जो कोरियर फैसिलिटी हो सकती है उसकी दिक्कत हो, पर कि उसको पीस को सही तरीके से नहीं रखा गया और उसकी वजह से डैमेज हो गया, डैमेज होना एक अलग बात है, पर जो कलर है जो आप हम ऑर्डर कर रहे हैं वो कलर में अगर आपको डिलीवर नहीं हो रहा है प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं वो कंपनी को उसपे रेगुलेशंस जो भी उनके सप्लायर्स हैं उनसे ये चीज कंफर्म करनी चाहिए कि कलर कौन सा डिलीवर जो है वो हो रहा है। दूसरा, अगर डैमेज
के लिए रिक्वेस्ट डाली है रिटर्न डैमेज के लिए था, तो आप अब फोटो अपलोड हम ना करें ये तो सही बात नहीं है। फोटो तो अगर ऑप्शन दे रखा है तो हम अपलोड जरूर करेंगे। तो वो उन्होंने बोला कि आपने फोटो अपलोड कर दी तो हमने कलर के लिए रिक्वेस्ट ले ली है और डैमेज के लिए नहीं दी है, तो आपको वापस रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। तो ये इसको लेकर के मैं इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी ये वीडियो दिखाया जाए कि इस तरीके की चीजें अगर आप ऑर्डर करते हो तो कहीं ना कहीं आप इसमें, जैसे कि अगर कोई हाई प्राइस के अंदर, ये तो ठीक है मैंने 500 प्लस के आसपास प्राइस में ही ऑर्डर किया, अगर आप हाई प्राइस में कुछ अगर इस तरीके की शेल्फ वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट को ज्यादा सेलेक्ट करिए, जो बेसिक वेबसाइट है इनसे छोटे प्रोडक्ट अच्छे आते हैं। नो डाउट मेरे पास ग्लो रोड से भी दो शेल्फ अच्छी आई है, पर ये तीसरा प्रोडक्ट और चौथा प्रोडक्ट जो मेरा था, ये तीसरा और चौथा ऑर्डर था मेरा, और जो दोनों ही ऑर्डर का जो एक्सपीरियंस रहा है वो मेरा अच्छा नहीं रहा है। जो अच्छी आई है वो भी आपके साथ जरूर बताऊंगा, वो मैंने लगा चुका हूं अपने नए घर पे, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा कि कितने मैंने परचेज की थी और क्या परचेजिंग रही थी, क्या एक्सपीरियंस रहा था उनके बारे में। पर ये जो एक ये मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए और शेयर करना बनता है, तो मैं ताकि आप भी जब भी शॉपिंग करें तो एक तरीके से सही प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करें। और जो मैंने इसमें एक चीज ये देखी कि आप कभी भी अगर मीशो एंड ग्लो रोड पे अगर शॉपिंग का देखते हैं तो मीशो आप ज्यादा प्रेफर करिए, मीशो में आपको 100 या 150 प्लस प्राइस मिल जाएगी ग्लो रोड के कंपैरिजन में। पर वहां का जो मैंने जस्ट किया, अगर आप इस प्लाई के ऊपर कलर का भी, मैंने दोनों से ऑर्डर किए हैं प्रोडक्ट, तो कलर भी देखेंगे तो मीशो वाला आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। सेम प्रोडक्ट आपको मीशो से अगर ऑर्डर करते हैं तो ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। तो कलर के केस में भी हम बात करें तो आप मीशो को ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ ग्लो रोड, और प्राइस में ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। और बाकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट के तो इस तरीके से डेकोरेटिव आइटम्स की जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा है, ये तो आप जरूर इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बनाना चाहिए और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, जिससे कि आपको भी एक हेल्प मिल पाए। इस तरीके के प्रोडक्ट अगर आप भी अपने घर में लगाना चाहते हैं तो काफी इजीली, जैसे कि आप किसी कारपेंटर से बनवाते हैं तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा आपको, और इस तरीके ऑनलाइन ऑर्डर करके आप यूज कर सकते हैं, पर थोड़ा सा आपको ध्यान से ऑर्डर करना पड़ेगा कि कौन सी वेबसाइट से क्या प्रोडक्ट जो है वो अच्छा आपको डिलीवर हो रहा है और सही कॉस्ट पे हो रहा है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो कैसा लगा है आप जरूर बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था या नहीं था वो भी मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, ऐसा तो नहीं कहूंगा कि इस तरीके की किसी ब्लॉग के अंदर, क्योंकि इस तरीके का एक्सपीरियंस मैं नहीं चाहूंगा कि अगेन मेरे साथ हो, तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।